दोस्तों आईपीएल 2025 की तैयारियों में बीसीसीआई ने पूरा दम लगा दिया है। इस साल दिसंबर में मेगा ऑक्शन का आयोजन हो सकता है। आईपीएल 2022 के बाद पहली बार मेगा ऑक्शन का आयोजन होगा। सभी की निगाहें निश्चित रूप से चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके पे होगी और वहां क्या बदलाव होंगे ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ा सवाल हमेशा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में होगा, क्या वो अगले सीजन में खेलना जारी रखेंगे। पिछले सीजन उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी और ऋतुराज गायकवाड़ ने कमान संभाली थी। हम सभी क्रिकेट फैंस अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में काफी कुछ बदलाव देख सकते हैं। सबसे बड़ी संभावना ये है कि धोनी अंततः वर्षों की अटकलों के बाद आईपीएल से संन्यास ले सकते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट आई है कि धोनी के सीएसके द्वारा रिटेन किया जा सकता है। आईपीएल में एक नियम की वापसी होने वाली है, कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट के 5 साल बाद अनकैप्ड प्लेयर के रूप में उतर सकता है। हालांकि रिपोर्ट के विपरीत चेन्नई के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले सकते हैं। अगर धोनी संन्यास लेते हैं तो सीएसके को निश्चित रूप से एक नए विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत होगी। आईपीएल 2025 में नीलामी में सीएसके को मिलने वाला सबसे अच्छा संभावित रिप्लेसमेंट कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत है। वह धोनी की जगह लेने के लिए सबसे ज्यादा सही माने जाते हैं। ऐसी रिपोर्ट आई है कि ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स द्वारा रिलीज किया जा सकता है। वह रिकी पोंटिंग के मुख्य कोच के रूप में जाने के बाद फ्रेंचाइजी से खुश भी नहीं है। पंत रिकी पोंटिंग के बेहद करीबी थे। यदि ऋषभ पंत एमएस धोनी की जगह आते हैं तो सीएसके कप्तानी में भी बदलाव के बारे में सोच सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ को आईपीएल 2024 के सीजन के दौरान कप्तान बनाया गया था लेकिन उनकी कप्तानी में टीम प्ले ऑफ तक भी नहीं पहुंच पाई। चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास में ऐसा सिर्फ तीसरी बार हुआ था। यदि फ्रेंचाइजी पंत को अपने साथ जोड़ने में सफल होती है तो वह उन्हें कप्तान भी बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इंडियन टीम में विकेटकीपर के जिम्मा ऋषभ पंत ही संभाल रहे हैं तो ऐसे में अनुभव उनके पास बहुत बढ़िया है, इसीलिए सीएसके ज्यादा जोर दे रही है कि ऋषभ पंत को टीम में लाया जाए। बाकी आपकी क्या राय है, क्या ऋषभ पंत सीएसके के लिए बढ़िया चॉइस है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।